शहर के कॉटन मार्केट स्थित सावित्री बाई फुले के पुतले को माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। 3 जनवरी उनकी जयंती है। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रवादी शहर की ओर से सावित्री बाई के कार्य को याद किया गया। सावित्री बाई फुले देश की पहली अध्यापिका थी और उन्होंने ही अनेक समस्याओं का सामना कर सामान्य जनता के गरीब तबके के बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण किया था। विशेषकर उन्होंने महिला शिक्षा के द्वार खोल दिए थे। 3 जनवरी को उनकी जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। संतरा नगरी में भी राष्ट्रवादी की ओर से अभिवादन किया गया। कॉटन मार्केट में मुख्य द्वार पर फुले दाम्पत्य के पुतले लगे हुए हैं। इन पुतलों पर माल्यार्पण कर फुले दाम्पत्यों के विचारों का पाठ भी पढ़ाया गया। सावित्री बाई ने तत्कालीन जमाने में सनातन धर्म से बगावत करके गरीब अस्पृश्य और सामान्य लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा के नए द्वार खोले थे, जिसके लिए उन्हें सनातनी धर्मियों ने उन पर मिट्टी और पत्थर फेंक कर मारे थे। मगर सावित्री बाई ने इससे भी निडरता से सामना करते हुए अपना काम निरंतर चालू रखा था। उनके इस शिक्षा के कार्य में क्रांति ज्योति ज्योतिबा फुले का साथ बखूबी मिला था। आज OBC हो या SC ST अल्पसंख्यक, इतना ही नहीं उच्च वर्गीय महिलाओं के लिए भी सावित्री बाई के विशेष कार्य है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ नितिन शेगांवकर की रिपोर्ट।